जब लीडरशिप अपने मुल्क में मौजूद होती है तो उसकी एक अपनी इम्पेटस होती है, लेकिन तारीख ये भी बात बताती है कि लोग जिला वतनी में भी रह के जद्दोजहद करते हैं, लेकिन बिल आखिर तो आपको मुल्क में वापस आना ही। मरियम नवाज की कल इम्कान इसी चीज़ का है, क्योंकि जो नैब ने मौकफ इख्तियार किया उससे इम्कान इसी चीज़ का लग रहा है कि शायद वो गिरफ्तार हो जाएंगी। मरियम की गिरफ्तारी कितना बड़ा सेटबैक होगा? मैं समझता हूँ कि मरियम की गिरफ्तारी कल शायद ना हो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि हुकूमत ने नैब ने एक कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन डाली हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और वो भी एक अजीब अनोखी कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन है, जिसमें कहा गया है कि उनका बयानिया जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ है और उनका बयानिया अदारों के दरमियान तसादुम का है। अमूमन ये ग्राउंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेती है किसी पॉलिटिकल लीडर की डिटेंशन के लिए, या अगर किसी सियासी जमात को बैन करना हो तो वो लेती हैं। नैब का अदारा जिसका ताल्लुक सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी से है, वो ये बेसिस बनाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या है।